जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अक्सर वही इंसान नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो है पढ़ाने वाला हूँ सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सरलीकरण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग इनकी शायद बच्चे में इनकी पढ़े होंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, इस पर जो जो सवाल बनेगा आज, वो सारा जो है सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। और 2018 में जो एग्जाम में पूछा गया सवाल था NTPC और ग्रुप डी में, वो सवाल भी आज मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे सवाल होगा, पहले आप लोग जो है सवाल को सॉल्व कीजिएगा अपने से, उससे जो है आप लोगों का प्रैक्टिस बनेगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर जो है मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो पहला सवाल लेते हैं। सवाल लेने से पहले आप लोग जो है कुछ फॉर्मूला जो होता है इसमें, उसको पहले जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है, मतलब इनकी फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है फॉर्मूला। फिर हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके दोस्तों, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर इन दोनों को समीकरण अगर हम ऐड कर देते हैं तो इससे जो है नया फॉर्मूला आ जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि टू ए बी कैंसिल, तो ये हो जाता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग इसको जो है माइनस कर दे, अगर जहां जहां प्लस है इसको अगर माइनस कर दे, मतलब इसको घटा देंगे, तो इससे जो है एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो आप लोग देख लीजिए। अगर इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाता है तो दो इनकी चार ए बी। फॉर्मूला क्या बन जाता है, इनकी चार ए बी फॉर्मूला हो गया। क्या क्वेश्चन रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला बन गया फोर ए बी। ओके दोस्तों, इसमें जो है कुछ और इसमें लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है बन जाएगा अच्छा से। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला क्या बनता है। इसमें फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, फॉर्मूला एक इससे भी मतलब इनकी क्वेश्चन रहता है। एक और फॉर्मूला इसमें लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए प्लस बी, इसमें जो है वही इनकी साइन रहेगा, नहीं इसमें जो है साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी जो है माइनस हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, जहां पे प्लस रहेगा मतलब जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब देखिए इतना तो मैं मान के चलता हूं आप लोग इतना इनकी समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन रहेगा इसको पहले जान लीजिए, बोर्ड मास बी ओ डी
बोट मास, MAS। ओके, बी से होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट में कौन कौन सा आएगा? ब्रैकेट में हम लोग जो है पहले ये इनकी बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और ये रैकडिंग, आप लोग जानते होंगे। इसमें जो है पहली क्रिया किसी करेंगे, पहली क्रिया करेंगे रैकडिंग की, पहली क्रिया करेंगे अपना लोग रैकडिंग की, उसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद जो है बड़ी कोष्ठ की क्रिया करेंगे। ओके, अब ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का। डी से होता है इनकी भागा, डिवाइड। एम से होता है मल्टीप्लाई मतलब इनकी गुना। ए से होता है एडिशन मतलब जोड़। एस से होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि पहले हम लोग जो है रैकडिंग की क्रिया करेंगे, फिर छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, फिर मझली कोष्ठ की क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद जो है बड़ी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद जो है पहले हम लोग का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भागा की, गुणा की, जोड़ की और घटाव की। एक ट्रिक आप लोग जान लीजिए, एक ट्रिक है, पहले का करी, पहले का करी तब करी भागा, तब करी भागा, सकल गुना करी, सकल गुना करी जोर घटावा। ओके दोस्तों, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए, इनकी पहले क्रिया करेंगे का की, उसके बाद भागा की, उसके बाद मल्टीप्लाई की, उसके बाद जोड़ की और उसके बाद घटाव की क्रिया करेंगे। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने, इतना जो है आप लोग को कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए इतना का, उसके बाद ही जो है आप लोग के से सवाल बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर एक सवाल लेते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे सवाल होगा, आप लोग पहले उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, सवाल है पहला नंबर, सवाल पहला नंबर क्या है? सवाल है 6 - मध्यम कोष्ठ 5 - 24 भागा 13 - 5 छोटी कोष्ठ बंद मझली कोष्ठ बंद। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें इसमें हम पहले किसकी क्रिया करेंगे? हमने आपको इनकी पहले बताया था, पहले छोटी कोष्ठ की मतलब इनकी पहले क्रिया होती रैकडिंग की क्रिया होती है, अगर ये नहीं है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे। ओके, पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, तो इसको जो है क्रिया करके जो है क्या बन जाता है? 6 - 5 - 24 भागा, इसकी इसको अगर घटाते हैं 13 में से 5 गया 8। ओके, मझली कोष्ठ बंद, छोटी कोष्ठ का काम हो गया। अब आ जाता है मझली कोष्ठ, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, अब काम करेंगे किसका? पहले का करी तब करी भागा, अब पहले इसकी क्रिया करेंगे, 8 चौके मतलब 8 * 24 5 - 8 = 24 में इनकी भागा दे दिए। ओके, अब जो है इसकी क्रिया करेंगे। ओके, 6 - 5 में से 3 गया 2 और फिर इनकी 6 में से 2 गया 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ओके दोस्तों, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, आज मैं आप लोगों को आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर जो है आज शाम में एक और वीडियो अपलोड होगी जो इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 0.321 - 0.179 - 0.179 बटे बटे में क्या है? 0.321 - 0.179। अब यहाँ पे जो इस प्रकार क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए पहले आपको जो है ढूंढना पड़ेगा कि यह जो है कौन सी फॉर्मूला पे यह जो है इनकी सेट हो रहा है। ओके दोस्तों,
अगर इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ई भी एक ही संख्या है और ई भी जो है एक ही संख्या होगा, यानी कि इसको भी ए हो जाएगा। उसके बाद इसको मान लेते हैं बी, और ई भी जो है इनकी बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर हो गया ए स्क्वायर, फिर हो गया माइनस बी स्क्वायर बट ए माइनस बी हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए माइनस बी कैंसिल, बच गया है क्या, ए प्लस बी। ए हम लोग किसको माने थे, ए माने थे इसको, यानी कि 0.321 जोड़ बी, किसको माने थे, बी माने थे इसको 0.179। अब इसको जो है ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो है इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 9 1 10 के 0 से लेकर 7 2 9 1 10 के 0 से लेकर 3 1 4 1 5, और ये 0 के 0, इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए जो है पहले आप लोगों को खोजना पड़ेगा कि यह जो है कौन सी फॉर्मूला पे सेट खा रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यह था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आप लोग के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, यदि 0.27 बटे पी स्क्वायर बराबर अगर 27 हो तो पी का मान क्या होगा। इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इसका मान बोल रहा है, यानी कि पी का मान बोल रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 0.27 बटे 27 ई जो है नीचे आ जाएगा बराबर पी स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, पॉइंट उड़ गया तो नीचे आ जाएगा 127 से 27 कैंसिल, यानी कि ये हो गया 1/100 बराबर पी स्क्वायर। अब जो है इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, इसलिए 1/10 बराबर पी, इसलिए पी का मान जो है 0.1 इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 0.8 × W इक्वल टू 0.004। यह क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन विद्यार्थी लोग जो है पॉइंट को देखकर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। आप लोग को ऐसा नहीं करना, आप लोग को पहले जो है कॉन्फिडेंस को हाई करना होगा, ठीक है। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि भागा में 0.004 बटे 0.8। अब देखिए इसमें इनकी पॉइंट को उड़ाना होगा, इस पॉइंट को उड़ाए तो नीचे में पॉइंट के बदले 1, उसके बाद जो अंक रहेगा उसके बदले 0 लग देंगे, 1 2 3 गो 0 है, नीचे में भी 3 गो 0। फिर नीचे वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो इनकी पॉइंट के बदला 1, उसके बाद 1 गो 0 है, 1 गो 0 रख दिया और ये कैंसिल हो गया। पर इसको काटेंगे 4 2 8, यानी कि ये हो गया 1/2 0 100 हो गया। अब इसको इनकी भागा दीजिएगा तो ये आएगा 0.5/100, फिर इसको इनकी भागा दीजिएगा तो ये आएगा 500 इतना, यानी कि 0.005 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 0.07359 का में 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है, 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमने आप लोग को पिछले क्लास में समझाया था, मान के चलते हैं अगर यहाँ पे 1 2 6 9 रहे
और इसमें आपको कह दे कि छ का स्थानीय मान क्या होगा। तो छ का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छ पहले लिख देंगे, उसके बाद जैग वो अंक रहेगा उसके बदले जो है हम लोग 0 दे देंगे। यानी कि ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। इकाई में एक होता है, दहाई में 100 होता है, सॉरी दहाई में 10 होता है और सैकड़ा में 100 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया इतना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग जो है जिसका स्थानीय मान निकालने के लिए बोला गया हो उसको पहले ऊपर में लिख देंगे, बटे कर देंगे, और इससे इनकी पॉइंट के बदला जो है हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद जो है 3 कितने अंक के बाद है उसके बदले जो है 0 दे देंगे, 1 2 3 बदले है, 1 2 3, इतना हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इतना आसान क्वेश्चन को जो आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे। आइए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या बोल रहा है, फिर वही ब्रैकेट वाला, 10 माइनस बड़ी को स्टार्ट 5 माइनस मध्यम को शुरू, 6 माइनस छोटी को शुरू 5 माइनस 4 माइनस 3, छोटी कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ बंद। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये हो गया 10 बड़ी को स्टार्ट 5 माइनस मध्यम को स्टार्ट 6 माइनस, पहले छोटी कोष्ठ क्रिया करेंगे, पहले छोटी कोष्ठ क्रिया करेंगे तो ये होता है 4 3 7, 5 में 7 गया -2, तो ये हो गया -2 माइनस टू माइनस 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 प्लस हो गया, और ये हो गया प्लस। ओके 10 माइनस 5 माइनस 6 2 8, 10 माइनस 5 में से -8 गया तो -3 हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, तो 10 3 13 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कैसे बनाते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आज मैं कर रहा हूं, आज शाम में जो है इसे हार्ड क्वेश्चन लेंगे अपना लोग। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 छोटी कोष्ठ बंद भागा 6 बटे 4 प्लस 4 प्लस 4 भागा 4। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटी कोष्ठ क्रिया करेंगे, 6 का 6 6 6 6 24, ये हो जाता है 24 भागा 6 बटे, इसमें पहले भागा की क्रिया करेंगे, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुणा करी जोड़ घटाव, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 4 4 8 1 9। अब इसको काटिए 6 6 24, यानी कि 4 बटे 9 इसका जो है आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 994 गुना 1006, इसको बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 994 जो है किससे करीब है, यानी कि 1000 के करीब है। 1000 में अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो आता क्या है, 994 आता है। 1000 में से अगर 6 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 994 आ जाएगा। ठीक, फिर है मल्टीप्लाई का चीज, इसमें अगर 1000 में 6 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 1006। 1000 में 6 अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1006। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यह जो है किसी फॉर्मूला पे आ गया, इसको अगर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो फिर जो है यह ए होगा और यह बी होगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका जो है मान रख दीजिए, एक स्थान पे जो माने थे उसका मान रख दीजिए, तो इसका मान अगर इनकी 1000 का
स्क्वायर कर देंगे माइनस बी के स्थान पे 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, इसका अगर स्क्वायर करते हैं 1000 का, तो 1 पर 6 को 0, 1 2 3 4 5, 1 6 माइनस 36। अब इसको घटाइए, 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9 9, इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर विद्यार्थी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 इनकी जोड़ने के लिए बोल रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, पहले इसमें जो है बड़ी संख्या ले लीजिए, पहले ही बड़ी संख्या है 444 है। ओके, इतना संख्या, उसके बाद है 4.04, 4.04, उसके बाद कितना है 44.44, फिर उसके बाद क्या है 4.44, 4.44, उसके बाद क्या है 4 है, इसको कर रहा है ऐड करने के लिए। अब कहिए इतना आसान क्वेश्चन जो है कौन नहीं बनाएगा, 0 से 0 चार चार आठ, चार चार आठ, चार पंचे 20 के 0 हासिल 2, चार चार आठ 9 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को इनकी छोड़ना है नहीं एग्जाम में। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आज शाम में फिर एक और क्लास के साथ। ओके दोस्तों, बाय।